डॉक्टर हूँ। मैं आपको अमेरिका से आए डॉक्टर हेनरी क्रेन से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो डॉक्टर क्रेन। हेलो। ये आपके धर्म परिवर्तन आंदोलन का जायजा लेने आए हैं। और मिस्टर गांधी से वर्धा में पहले मिल चुके हैं। हाँ डॉक्टर आम्बेडकर, इस मामले में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो सारे ईसाई देश आपके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर को उठाने में मदद करेंगे। और मैं सोचती हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। डॉक्टर आम्बेडकर, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि धरती के उत्तराधिकारी गरीब ही होंगे। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? द होली बाइबल ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है, कुक की लिखी? उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण है। हाँ, वो भी पढ़िएगा, लाइफ ऑफ जीसस रना के लिखी हुई, और खलील जिब्रान की जीसस द सन ऑफ मैन। इन सब किताबों में आपको क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग पहलू नजर आएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर, हम आपको पूना के मेथोडिस्ट चर्च के मिशन भी और वार्षिक समारोह में शामिल होने का हार्दिक आमंत्रण देते हैं। कोशिश करूंगा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी, सियासी, मुआशरती, इक्तसादी और मजहबी हक भी मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है एक कंकार, और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। महाबोधि सोसाइटी से ये टेलीग्राम आया है। डॉक्टर आम्बेडकर, आप और आपके साथियों का बुद्ध धर्म स्वीकारने के लिए हार्दिक स्वागत, जो कि आशिया के बड़े भाग में फैला है। धर्म परिवर्तन करने वालों को हम समान अधिकार देंगे। हम लोगों में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे, हमें सूचना भिजवाइए। लगता है कांग्रेस और सरदार आपको इस चुनाव में बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने सरदार पटेल का वक्तव्य नहीं पढ़ा? हाँ, हम धर्म बदलेंगे तो सांप्रदायिक समझौते में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए डॉक्टर, मैं यहाँ आपके एक मित्र के नाते नहीं आया। मैं आपके सामने हूँ एक अधिकृत प्रतिनिधि हिंदू महासभा का। हम जानते हैं आपका दृष्टिकोण और आपकी देशभक्ति। हम जानते हैं आप कभी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाएंगे। नहीं, पर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मेरी देशभक्ति को आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, और मैं इस देश के इतिहास और संस्कृति को आपसे बेहतर जानता हूं। मेरा मानना है कि हमारे इन दो धर्मों को अपनाने से राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरणों में बुनियादी फेरबदल आ जाएगी डॉक्टर मंजे। लेकिन इससे हमें क्या मतलब, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? डॉक्टर, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे आपको आरक्षण दिलाने के लिए, भले ही आप सिख धर्म क्यों ना अपना लें। हिंदू महासभा इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध होगी। तुम बहुत चालाक हो बूढ़े ब्राह्मण घुसपैठिए। प्रिय भावराव, क्या तुमने मेरे धर्म परिवर्तन के फैसले पर डॉक्टर मुंजे की परेशानी गौर की? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि धर्म परिवर्तन से हमें क्या फायदा होगा। मेरा उन्हें यह जवाब है कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है, वैसे ही अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। दोनों का आंतरिक उद्देश्य एक ही है, आजादी की चाह। प्रिय भावराम, हर तरफ से हिंदू कोड बिल का तीव्र विरोध हो रहा है, और हां, बुद्ध की मूर्ति जो माडिगेलकर सिद्धार्थ कॉलेज के लिए बना रहे हैं वो अब लगभग पूरी हो चुकी है, और साथ ही बौद्ध धर्म अपनाने का मेरा निश्चय भी। मैं बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा हूं। जब मैंने दादा केडुस्कर लिखित बुद्ध चरित्र पढ़ा था, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पिताजी के मित्र भी थे, उन्होंने ये किताब मुझे भेंट दी थी। जीवन भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संत कबीर,
महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जो तीन सिद्धांतों की शिक्षा देता है, प्रज्ञा, करुणा और समता। बौद्ध धर्म ही विश्व में शोषण का समाधान है। लोग आज किसी तरह बौद्ध धर्म को साम्यवाद के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर साम्यवाद का आधार जबरदस्ती है और बौद्ध धर्म का अहिंसा।